Welcome SVPH to presentation on chapter number one, our body parts, and this is part three of our presentation. So, students, in our previous presentation, we learned about brain and stomach, right? We have learned about brain and stomach. Today, we will watch few videos about brain and stomach. Come brain. Part of the central nervous system. Your cranium's my home, and if you wanna learn, then listen. I'm the boss of all the functions in your body. I weigh about three pounds, but I'm the leader of the party. The ser It maintains vital control of your heart and lungs. It controls important reflexes to make sure your body runs. Your penile gland produces all your precious melatonin, which can help you sleep at night and makes you wake up in the morning. I'm your brain, part of the central nervous system. Your cranium's my. तो बच्चों इंटरेस्टिंग वीडियो राइट मजा आया आपको वीडियो देख के वीडियो देख के आपको क्या क्या चीज़ें समझ में आई ब्रेन के बारे में नंबर वन ब्रेन इज द बॉस ऑफ आवर बॉडी राइट नंबर टू ब्रेन का जो वजन होता है जो मास होता है वो बड़ा छोटा है इट्स अराउंड 1.5 पॉइंट 1.5 के जी से भी कम होता है डेढ़ किलो से कम वजन है ब्रेन का राइट right? बट वो हमारी पूरी, पूरी जो बॉडी है उसको कंट्रोल करता है राइट देन ब्रेन क्या क्या चीजें करता है हमारी जो भी मेमोरी है जो भी चीजें हम याद करते हैं वो कहां पे जाके स्टोर होती है ब्रेन में नेक्स्ट ब्रेन जो है हमारी हमें जो है हमारी जो नींद है स्लीप है उसको भी कंट्रोल करता है और वही जो है इंस्ट्रक्शन देता है कब जागना है ओके okay? हमारे ब्रेन के दो पार्ट हैं लेफ्ट साइड एंड राइट साइड जो लेफ्ट साइड का जो पार्ट है हमारे ब्रेन का वो हमारी राइट right साइड की बॉडी को कंट्रोल करता है और जो हमारा राइट right साइड का ब्रेन का पार्ट है वो हमारी लेफ्ट साइड की बॉडी को कंट्रोल करता है इसके अलावा जो हम वॉक करते हैं और जो हम वॉक करते टाइम या रन करते टाइम जो बैलेंस बना के चलते हैं वो कौन कंट्रोल करता है ब्रेन अगर वो चीज़ कंट्रोल नहीं हो तो क्या होगा हम वॉक करते करते बैलेंस नहीं बना पाएंगे हम गिर जाएंगे रनिंग करते टाइम गिर जाएंगे राइट right? esophagus works with me to bring the food you eat in a wave motion to me. It contracts and it relaxes until all your food passes. This process is called peristalsis. You see, the esophageal sphincter is where all consumed will linger. It's the doorway that will open into me. When the sphincter lets food pass, it closes tight and pretty fast, so your stomach juice and food remain in me. I am your stomach. बच्चों so, अभी आपको स्टमक के बारे में भी काफी कुछ पता चला राइट right? इस, इस वीडियो में सो आ स्टमक इज फुल ऑफ एसिड ओके हमारे स्टमक जो है उसमें एसिड होता है और वो एसिड क्या करता है जो भी हम खाना खाते हैं ना वो फूड ट्यूब के थ्रू स्टमक में जाता है ठीक है और वहां पे ये जो एसिड है वो हमारे फूड को जो हम खाते हैं ना उसको ब्रेक डाउन करता है छोटे छोटे पार्ट्स में ओके एंड फ्रॉम देयर वी गेट द एनर्जी वहां से हमें एनर्जी मिलती है राइट सो वी हैड लर्न अबाउट इंटरनल बॉडी पार्ट्स और सम मोर इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स वी हैव सीन द पिक्चर्स एंड देयर नेम इन आर प्रीवियस प्रेजेंटेशन दिस इज किडनी किडनी की शेप होती है किडनी बीन जैसी स्मॉल इंटेस्टाइन लिवर एंड लार्ज इंटेस्टाइन ये हम पढ़ेंगे आगे की क्लासेस में जब आप फोर्थ फिफ्थ में जाएंगे नाउ लेटस प्ले वन इंटरेस्टिंग गेम आप सब ये गेम खेलते हैं यू लुक एट दिस फोटो दिस बॉय इसकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है ओके okay? तो आंखों पर पट्टी बंधने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं ब्लाइंड फोल्डेड वट डू कॉल दिस ऐसे जो अगर आंखों पर पट्टी बांध देते हैं तो उसको क्या बोलते हैं ब्लाइंड फोल्डेड ओके सो एंड दिस नेम दिस बॉय नेम इज राज सो इफ राज ब्लाइंड फोल्डेड

ऐसे पट्टी बांधने को क्या बोलते हैं ब्लाइंड फोल्डेड राजोल्डेड राइट नाउ सो इफ राज इज इज एंड ओके मतलब उससे कहा जाए उससे पूछा जाए क्या पूछा जाए टू फाइंड द डिफरेंस फाइंड मतलब ढूंढना क्या ढूंढना डिफरेंस डी आई डबल एफ ई आर ई एन सी ई डिफरेंस मतलब अंतर इन सम पेयर ऑफ आइटम्स कुछ जो पेयर ऑफ आइटम्स है उनमें अगर उसे डिफरेंस जो है फाइंड करने को बोला जाए विच ऑफ द फॉलोइंग विच मतलब कौन सा सो ऑफ द फॉलोइंग मतलब नीचे जो दिए हैं उनमें से कौन सा कैन ही ही मतलब राज के लिए आया वह डिफरेंशियट मतलब डिफरेंस बताना सो so, इनमें से कौन सा आइटम है वो डिफरेंशिएट कर सकता है नाउ लेट नॉलेट सी पहला एक्टिविटी क्या है आंखें आंखों पे पट्टी बंधी हुई है तो इसका मतलब अब वो कोई चीज देख सकता है कि नहीं देख सकता है ही कैनॉट सी एनीथिंग राइट राइट सो द फर्स्ट वन इज अ ग्लास ऑफ ऑरेंज जूस एंड अ ग्लास ऑफ एप्पल जूस राइट सो यू नो वट इज द कलर ऑफ ऑरेंज जूस एंड वॉट इज द कलर ऑफ एप्पल जूस आपको पता है बट राज ब्लाइंड फोल्डेड ए अभी ओके okay? आंखों पर पट्टी बंधी हुई है सो कैन ही आइडेंटिफाई कैन ही डिफ्रेंशिएट क्या वो डिफरेंस बता सकता है क्या ऑरेंज जूस के ग्लास में और एपल जूस के ग्लास में ही कैन नॉट राइट नाउ द नेक्स्ट वन अराउंड बॉल एंड अ रेक्टेंगुलर बॉक्स ओके सो राउंड बॉल आपको पता है राइट एंड अ रेक्टेंगुलर बॉक्स रेक्टेंगुलर बॉक्स की शेप कैसी होती है रेक्टेंगल जैसी सो so राज उसे बता सकता है क्या कि ये राउंड बॉल है और ये रेक्टेंगुलर बॉक्स है कैन यू डिफ्रेंशिएट येस ही कैन कैसे आंखों पे तो पट्टी बंदी है देख के तो बता ही नहीं सकता वो बट फील करके बता सकता राइट सो यहां पे कौन सा ऑर्गन वो यूज नहीं कर पाएगा ही नॉट यूज आइज बिकॉज ईज ब्लाइंड फोल्डेड बट ही कैन यूज ही कैन फील वो स्किन से फील करके बता सकता है कि ये राउंड शेप है और ये रेक्टेंगुलर बॉक्स है नेक्स्ट वन अ पीस ऑफ पिंक क्लॉथ पीस मतलब टुकड़ा पी आई सी ई पीस सो अ पीस ऑफ पिंक क्लॉथ ओके क्लॉथ सी एल ओ टी एच आपको पता है कपड़ा एंड अ पीस ऑफ ब्लू क्लॉथ तो अब आप, आप मान लो मान लीजिए राज को आपने पिंक क्लॉथ का एक पीस दे दिया और ब्लू क्लॉथ का एक पीस दे दिया राज ब्लाइंड फोल्डेड है अब वो बता सकता है क्या ही कैनॉट वाई इज टू डिफरेंशियट द कलर और राज इस वक्त जो है ब्लाइंडेड है नाउ द नेक्स्ट वन एंड एम टी पिगी बैंक ओके एम टी मतलब खाली पिगी बैंक क्या होती है गुल्लक गुल्लक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं पिगी बैंक एंड अ पिगी बैंक फुल ऑफ कॉइंस तो एक पिगी बैंक में तो कुछ भी नहीं है एम टी है और एक पिगी बैंक जो है फुल ऑफ कॉइंस है सो वट डू यू फील राजन डिफरेंशिएट कर सकता है राज यस yes. कैसे कर सकता है दोनों पिगी बैंक को वो बजा के देखेगा ओके एंड देन ही विल सी इफ दैट पिगी पिगी बैंक बैंक इज मेकिंग साउंड तो जो में कॉइंस भरे हुए हैं वो क्या खड़खड़ की आवाज आएगी उसमें से और जो पिगी बैंक एम है उसमें से कुछ आवाज नहीं आएगी सो दैट इज हाउ ही कैन डिफरेंशियट सो ये भी वो डिफ्रेंशियट कर सकता है राइट right? अब हम नेक्स्ट जो चीज पढ़ रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है वो क्या है पीपल विद स्पेशल नीड्स पीपल आपको पता है लोग जिन्हें क्या जरूरत होती है स्पेशल नीड्स की स्पेशल नीड्स की जो है जरूरतें होती है राइट नीड्स मतलब जरूरत है सो so बच्चों वी शुड फील आर सेल्फ वेरी लकी हमें अपने आप को बहुत लकी मानना चाहिए खुशकिस्मत मानना चाहिए दैट ऑल आर सेंस ऑर्गन्स आर वर्किंग फाइन हम हमें जो है हमारे जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं वो अच्छे से काम कर रहे हैं गॉड हेज मेड एस विद हेल्दी बॉडी भगवान ने हमें हेल्दी बॉडी दी है इसके लिए हमें गॉड को थैंक यू बोलना चाहिए बट देर आर मैनी पीपल इन द वर्ल्ड ओके जो देख नहीं सकते जो सुन नहीं सकते जो प्रॉपरली वॉक नहीं कर सकते ओके okay? जो प्रॉपरली बोल नहीं सकते सो so, ऐसे जो लोग होते हैं उन्हें हम बोलते हैं पीपल विथ स्पेशल नीड उन्हें स्पेशल नीड की जरूरत होती है ओके okay? बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो किसी भी एंगल से हम लोगों से कमजोर हैं। हमें जो है आंखें दी हुई है तो हम देख पाते हैं चीजों को ये जो ऐसे लोग हैं जो देख नहीं पाते हैं वो क्या होते हैं वो डिफरेंटली एबल्ड होते हैं और वो डिफरेंटली एबल्ड किस तरीके से होते हैं कि बिना आँखों के भी वो अपनी लाइफ अच्छे से जी पाते हैं तो उनमें जो है वो डिफरेंटली एबल्ड है उनको अलग एबिलिटी भगवान ने दी है ओके सो पहली बात तो हमें कभी भी ऐसे पर्सन की मजाक नहीं करनी चाहिए ये बहुत ही गलत बात है हमें ऐसे लोगों के साथ में बहुत अच्छे से बहुत पोलाइटली पेश आना चाहिए ओके वी शुड नेवर हर्ट देम कभी उन्हें चोट नहीं पहुंचानी चाहिए राइट right? ये ह्यूमैनिटी के खिलाफ है ये मानवता के खिलाफ है कभी भी ऐसा काम आपको नहीं करना है ओके okay? और आप उनको बिल्कुल आपके जैसे ही ट्रीट करेंगे आप उनपे कोई दया नहीं दिखाएंगे क्योंकि वो दया के लिए बिल्कुल उनको दया की जरूरत नहीं है आपकी आपको सिर्फ उनकी फ्रेंडशिप की जरूरत है वो सिर्फ आपकी फ्रेंडशिप चाहते हैं तो आप इनकी कभी मजाक नहीं करेंगे और आप उनको कभी ऐसे दया भाव से नहीं दिखाएंगे कि अरे ये बेचारा ये ऐसा नहीं कर सकता बिकॉज दे आर सेम लाइक यू दे आर दे ऑल्सो हैव एबिलिटी दे आर डिफरेंटली एबल्ड राइट सो नाउ लेटेस्ट रीड दिस देर आर मैनी पीपल देर आर मैनी पीपल मतलब मैनी मतलब बहुत सारे तो देर आर मैनी पीपल बहुत सारे लोग ऐसे हैं इन दिस वर्ल्ड डब्ल्यू ओ आर एल डी इस दुनिया में वर्ल्ड मतलब संसार या दुनिया हु कैनॉट सी जो कैनॉट मतलब नहीं सकते कैन मतलब सकते कैनॉट मतलब नहीं सकते सो देर आर मैनी पीपल इन द वर्ल्ड इस वर्ल्ड में बहुत सारे लोग हैं कैनॉट सी जो देख नहीं सकते स्पीक बोल नहीं सकते हियर सुन नहीं सकते और वॉक या वॉक नहीं कर सकते प्रॉपरली प्रॉपरली मतलब अच्छे तरीके से दीज आर पीपल विथ स्पेशल नीड्स ओके तो ऐसे लोगों को हम क्या कहते हैं पीपल विथ स्पेशल नीड राइट सो दे आर ऑफन कॉल्ड ओके दे आर ऑफ एन कॉल्ड ऑफ एन मतलब अक्सर So, ऐसे लोगों को अक्सर हम क्या बोलते हैं कॉल्ड मतलब बोलना डिफरेंटली एबल्ड पीपल ऐसे लोगों को हम क्या बोलते हैं हु नॉट स्पीक वॉक हियर प्रॉपरली ऐसे लोगों को हम बोलते हैं डिफरेंटली एबल्ड पीपल डिफरेंटली मतलब अलग तरीके से एबल्ड मतलब जिनमें अलग तरीके से कुछ करने की क्षमता है कैपेसिटी है ऐसे लोग हम बोलते हैं डिफरेंटली एबल्ड पीपल दे कैन लर्न दे लर्न ओके दे मतलब कौन ये जो डिफरेंटली एबल्ड पीपल हैं वो दे लर्न लर्न मतलब सीखना सो so, वो क्या सीख जाते हैं टू ओवरकम ओवरकम मतलब किसी बाधा को पार करना किसी जो एक मुसीबत होती है जो कठिनाई होती है उसको पार करने को बोलते हैं हम ओवरकम सो दे लर्न टू ओवरकम अब उनके लिए क्या बाधा है क्या मुश्किल है देट दे के नॉट सी दे के नॉट हियर दे के नॉट वॉक प्रॉपरली बट ये जो मुश्किल है वो क्या सीख जाते हैं दे लर्न टू ओवरकम उसको पार करना उस बाधा को पार करना दे लर्न टू ओवरकम देअर वीकनेसेस देयर मतलब उनकी वीकनेसेस मतलब कमजोरियाँ एंड लीड अ नॉर्मल लाइफ लीड मतलब जीना अ नॉर्मल लाइफ नॉर्मल लाइफ जो है वो लीड करते हैं जीते हैं सो दे ओवरकम दे आर वीकनेसेस नाउ वी कैन टेक केयर ऑफ देम इन द फॉलोइंग वेज हम क्या है हम उनकी टेक केयर कर सकते हैं देम मतलब उनकी किन की डिफरेंटली एबल्ड पीपल की इन द फॉलोइंग वेज नीचे दिए हुए तरीकों से कैसे किस तरीके से हमको डिफरेंटली एबल्ड पीपल की हेल्प करनी चाहिए वी शुड स्पेंड टाइम विथ दैम हमें उनके साथ में टाइम स्पेंड करना चाहिए स्पेंड टाइम मतलब टाइम स्पेंड करना टाइम बिताना ओके we must talk to them in a polite manner very important we मतलब हम talk मतलब बात करना them to them मतलब उनसे in a polite manner हमें उनसे पोलाइट मैनर में बात करनी चाहिए and listen to them with patience listen मतलब सुनना l i s t e n listen सुनना and listen to them उनको सुनना चाहिए with patience मतलब धैर्य के साथ आराम से उनको सुनना चाहिए राइट द थर्ड वन वी शुड ट्राई टू बूस्ट हमें क्या करना चाहिए ट्राई करना चाहिए टू बूस्ट देयर सेल्फ एस्टीम बूस्ट करना सो so, बूस्ट करना मतलब उनका उत्साह बढ़ाना ओके okay? किसके लिए टू बूस्ट देयर सेल्फ एस्टीम उनकी जो है मतलब उन्हें ऐसा नहीं लगना चाहिए कि भाई मैं दया का पात्र हूं तो उनकी जो सेल्फ एस्टीम है ना जो उनकी अपने आप के प्रति जो इज्जत है उसको हमें हमें हमेशा बूस्ट करना चाहिए बढ़ाना चाहिए सेल्फ एस्टीम मतलब इज्जत ओके okay? जो खुद की जो इज्जत होती है ना उनके मन में तो उसको हमें हमेशा बूस्ट करना चाहिए एंड हेल्प देम टू यूज देयर एबिलिटीज और उनको हेल्प करनी चाहिए टू यूज देयर एबिलिटीज जो भी एबिलिटीज है उनकी ओके okay? उसको यूज करने के लिए उनकी हेल्प करनी चाहिए राइट? Right? अब सबसे पहले तो हम जो लोग होते हैं जिनको फिजिकल या मेंटल चैलेंज होता है उनको हम डिफरेंटली एबल्ड क्यों बोलते हैं तो इसका आंसर यहां पे है पीपल हैविंग मेंटल और फिजिकल मेंटल मतलब मानसिक रूप से दिमाग दिमाग से जो है किसी किसी को थोड़ा सा चैलेंज होता है या फिजिकल चैलेंज होता है फिजिकल चैलेंज क्या है समवन वन नॉट वॉक प्रॉपरली

होना उनके पास क्या है यूनिक सेट ऑफ एबिलिटीज यूनिक मतलब स्पेशल जो हर किसी के पास नहीं होती ओके okay? आप खुद इमेजिन करिए अगर आप इफ यू ब्लाइंड फोल्ड योर सेल्फ अगर आप थोड़ी देर के लिए आंखों पे पट्टी बांध लें आप हाफ एन आवर भी आपके लिए मुश्किल है टाइम बिताना राइट right? क्योंकि आपके पास वो यूनिक सेट ऑफ एबिलिटीज आप प्रोजेस नहीं करते हैं प्रोजेस करना मतलब रखना ओके okay? स -S -S -E -S -S -S, करना मतलब रखना तो आप क्या है वो यूनिक सेट ऑफ एबिलिटीज पॉजेस नहीं करते जो एक डिफरेंटली एबल्ड पर्सन के पास है जो काफी टाइम से कैनॉट सी बट तब भी वो अपनी लाइफ जी रहा है ना उसके लिए पॉसिबल है आपके लिए पॉसिबल नहीं है इसका मतलब उसके पास आपसे ज्यादा स्पेशल एबिलिटीज हैं दैट इज वाई वी कॉल देम डिफरेंटली एबल्ड बिकॉज दे पॉजेस अ यूनिक सेट ऑफ एबिलिटीज दिस टर्म रिकोगनाइेज टैलेंट एंड वैल्यू इन एवरीबडी हमें बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है लाइफ की कभी भी किसी भी आदमी की या बच्चे की मजाक नहीं करनी चाहिए और हमें हमेशा उनके टैलेंट की और उनके वैल, उनके जो वैल्यू है उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए उनकी इज्जत करनी चाहिए इसीलिए हमने क्या टर्म यूज किया है डिफरेंटली एबल्ड कौन सी टर्म के लिए यूज किया है डिफरेंटली एबल्ड जो नाम है ना उसके लिए हमने यूज किया है दिस टर्म मतलब पहचानती पहचान देती है किसको टैलेंट को एंड वैल्यू इन एवरीबडी हर किसी में जो टैलेंट और वैल्यू होता है उसको रिकोगनाइज करती है ये टर्म क्या टर्म डिफरेंटली एबल्ड नाउ यू सी है दिस बॉय के नॉट सी इस ये बच्चा देख नहीं सकता बट तभी भी वो बच्चा पढ़ाई कर रहा है राइट सो पीपल हु नॉट सी जो लोग नहीं देख सकते सी मतलब देखना वो रीड करते हैं पढ़ते हैं कैसे पढ़ते हैं यूजिंग द ब्रेल स्क्रिप्ट अब ब्रेल स्क्रिप्ट क्या है एक अलग स्क्रिप्ट होती है जो डिफरेंटली एबल्ड लोगों के लिए डिजाइन की गई है जो ब्लाइंड लोगों के लिए डिजाइन की गई है ओके okay? तो उस स्क्रिप्ट से वो पढ़ लेते हैं ब्रेन ब्रेल स्क्रिप्ट से आप कभी देखना अगर लिफ्ट में आप जाते हो तो लिफ्ट में आपको नंबर्स लिखे रहते हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स उसके अलावा वहां पे कुछ कुछ मार्क्स होते हैं ओके okay? कुछ ग्रूव्स uh, होते हैं ओके okay? वो अगर आप फील करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो जो ब्लाइंड पर्सन है वो उसको फील करके उन्हें पता चल जाता है कि मुझे सेवन्थ फ्लोर पे जाना है या एट्थ फ्लोर पे जाना है ओके सो दैट स्क्रिप्ट इज कॉल्ड ब्रेल स्क्रिप्ट दे यूज अ ब्रेल राइटर फॉर राइटिंग उसके लिए कौन यूज करते हैं ब्रेल राइटर को यूज करते हैं राइटिंग के लिए देन नेक्स्ट वन पीपल यू लुक एट दिस बॉय ही कैनॉट हियर और स्पीक ये ना बोल पाता है ना सुन पाता है सो so people हु cannot hear or और स्पीक कम्युनिकेट कम्युनिकेट मतलब बातचीत करना किसके थ्रू थ्रू साइन लैंग्वेज साइन लैंग्वेज से ओके okay? जैसे ये देखो इसने क्या है अपने हाथ से कुछ साइन बना रहा है कि मुझे जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल से आई नीड टू रोटीज ऐसा कुछ करके साइन दिखा रहा है ओके सो दे कम्युनिकेट यूजिंग साइन लैंग्वेज सिमिलरली यू लुक दिस बॉय नॉट वॉक तो उसके लिए क्या है हिंदी में हम इन्हें बोलते हैं बैसाखियां और इंग्लिश में हम इसे बोलते हैं क्रचेस क्या बोलते हैं क्रचेस एंड ये क्या है व्हील चेयर ओके सो क्रचेज एंड व्हील चेयर आर यूज ओके क्रचेज और व्हील चेयर वो है जो यूज करते हैं बाई पीपुल हु कैनॉट वॉक ये कौन यूज करते हैं पीपुल हु कैनॉट वॉक राइट एक्सलेंट नाउ लेट एस कम टू द नेक्स्ट पैरा इन ओल्ड एज ओल्ड एज मतलब बुढ़ापा सो so, आपके घर में भी आपके ग्रैंड पेरेंट्स होंगे जो ओल्ड एज में है राइट right? तो so, हर कोई जो है बाद में जो है उसकी ही विल ग्रो ओल्ड हर कोई बूढ़ा होगा राइट right? सो so, ओल्ड एज मीन्स द लेटर पार्ट ऑफ लाइफ ओल्ड एज का मतलब क्या है लेटर पार्ट ऑफ लाइफ लाइफ का जो है जो लेटर uh, पार्ट है बाद वाला हिस्सा ओके okay? सो so, तीन स्टेजेस होती है चाइल्डहुड यंग यूथ एंड देन ओल्ड एज ओल्ड एज वीक द बॉडी ओके okay, तो ओल्ड एज में क्या होता है द बॉडी वीकंस मतलब कमजोर कर देना बुढ़ापा क्या है बॉडी को क्या है कमजोर कर देता है वीकंस मतलब कमजोर करना एंड मेक्स इट फ्रेल फ्रेल मतलब दुर्बल कमजोर तो जो है ओल्ड एज है बॉडी को क्या कर देती है कमजोर कर देती है एंड मेक्स इट फ्रेल फ्रेल मतलब बॉडी uh, जो है उसकी इम्यूनिटी कम हो जाती है लोग जल्दी बीमार हो जाते हैं ज़्यादा जोर से वॉक नहीं कर सकते हैं देखना कम हो जाता है तो बॉडी हमारी क्या है दुर्बल हो जाती है आंखें जो है कम देखती हैं कान कम सुनते हैं व्हेन पीपल ग्रो ओल्ड वेन मतलब जब तो जब लोग बूढ़े होते हैं ग्रो ओल्ड मतलब बूढ़ा होना दे फेस अ नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स वो फेस करते हैं नंबर ऑफ़ प्रॉब्लम्स मतलब बहुत सारे प्रॉब्लम्स और कैसी कैसी प्रॉब्लम्स फेस करते हैं रिलेटेड टू हेल्थ हेल्थ से रिलेटेड फिटनेस से रिलेटेड एंड साउंडनेस ऑफ माइंड इवन माइंड जो है वो उतना उतना साउंड नहीं नहीं रहता है, उतना नहीं रहता है, है। वी नीड टू एक्सप्रेस our कंसर्न फॉर देम टू तो हमें क्या है वी नीड मतलब हमें जरूरत है टू एक्सप्रेस our कंसर्न हमारी जो है उनके प्रति चिंता दिखाने की या उनके बारे में जो है समझने की उनको समझने की जो है जरूरत है किनको जो ओल्ड पीपल होते हैं उनको राइट वी विल स्टॉप हेयर यू प्लीज गो थ्रू द चैप्टर ऑन योर ओन एंड लर्न ऑल द डिफिकल्ट वर्ड्स एंड वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास थैंक यू